देहरादून से खबर आ रही है, देहरादून से खबर, बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक, बैठक थोड़ी देर में होने वाली है शुरू। सोशल मीडिया वॉलेंटियर्स के साथ विभिन्न समितियों की बैठक, बैठक के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचने लगे पार्टी पदाधिकारी। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष मौजूद, दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई नेता शामिल। तमाम संगठन के नेता और मंत्री पहुंचे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय। दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई नेता बैठक में शामिल। तमाम संगठन के नेता और मंत्री पहुंचे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय। और इसी खबर पर देहरादून से संवाददाता अशोक हमारे साथ हैं। जी अशोक, जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही साथ तमाम नेता विधायक मुख्यालय पहुंचे हैं और साथ ही साथ संगठन के भी बड़े पदाधिकारी मुख्यालय पहुंचे हैं, क्या कुछ बैठक में मुख्य एजेंडा रहा, किस पर बातचीत हुई? देखिए प्रियंका, बिल्कुल जैसे कि अभी अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित जो तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो समन्वय बैठक यहाँ पर आज चल रही है। हालांकि कल भी यहाँ आरएसएस के साथ बीजेपी की बैठक चली थी और आगामी चुनाव को लेकर ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि आगामी चुनाव को लेकर एक समन्वय बिठाने की यहाँ पर पूरा प्रयास किया जा रहा है और विपक्ष के खिलाफ किस तरह से रणनीति बनाई जाए उसको लेकर इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पर विचार चल रहा है और साथ ही साथ आगामी रणनीति क्या लेने वाली है, क्योंकि अगर बात करें तो चुनाव के लिए अब से कुछ ही समय का समय बाकी रह गया है और उसको लेकर किस तरह से रणनीति बनाई जाए। बीजेपी सरकार बूथ स्तर तक, युवा मंडल स्तर तक लेकर और बूथ स्तर तक किस तरह से काम कर रही है, जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जा रही है और जनता की परेशानियों का निस्तारण और या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समाधान किस तरह से कर रही है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है और चुनाव को लेकर कह सकते हैं कि किस तरह से विपक्ष के खिलाफ लगातार रणनीति बनाई जाए, क्योंकि जिस तरह से इस बार प्रदेश अध्यक्ष खुद मदन कौशिक का ये कहना है कि इस बार का जो हमारा नारा है और जिस तरह से हम जनता के बीच में जाएंगे युवा के साथ 60+ सीट का जिस तरह से लगातार बीजेपी दावा कर रही है, तो उस 60 सीटों का जो दावा बीजेपी कर रही है उसको लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है उसी को लेकर मंथन यहाँ पर चल रहा है। जी बिल्कुल अशोक, तो जिस तरह से मंथन की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में भाजपा में जिस तरह की स्थितियां देखने को मिली हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बदले गए हैं और पुष्कर सिंह धामी अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर नेतृत्व भी करेंगे आगामी चुनाव का, तो क्या कुछ इस बदलाव की वजह से भी रणनीति में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड की जनता के सामने एक नहीं बल्कि 3-3 मुख्यमंत्री भाजपा के द्वारा दिए गए हैं? देखिए बिल्कुल, ये प्रियंका ये बहुत ही ये बात बिल्कुल सही है कि इन 4.5 सालों से अधिक का समय हो गया है बीजेपी सरकार को और इस 4.5 साल में बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड राज्य को 3 मुख्यमंत्री दे दिए और कहीं ना कहीं, लेकिन इस बार जो युवा चेहरा एक बीजेपी सरकार लेकर आई है और उसमें उसको लेकर काफी उत्साह भी लोगों में दिखाई दे, खास तौर पर युवाओं को लेकर, और जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आते ही एक्शन मोड में दिखाई दिए और जिस तरह से, क्योंकि उन्होंने जिस रोजगार की उसको लेकर बात करी, रोजगार को भी अपना प्राथमिक मुद्दा बताया है, तो कहीं ना कहीं उन जिस तरह से धामी के हाथों में जब सूबे की कमान सौंपी गई है, युवाओं को एक काफी उम्मीद है कि, और जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो जब से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ है उनकी जो मांगे कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि आज भी कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज उत्तराखंड की जनता सूबे का मुखिया पुष्कर सिंह धामी से किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब जो लगातार नारा दिया जा रहा है 60+ का, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि हाँ इस बार अगर लगातार बीजेपी कह रही है कि प्रचंड बहुमत के साथ 60+ इस बार बीजेपी सरकार करेगी। जी जी बिल्कुल अशोक, इसके अलावा विरोधियों को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक लगातार न केवल सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं बल्कि तमाम मुद्दों पर लामबंद नजर आ रहे हैं और ये माना भी जा रहा है कहीं ना कहीं जिस तरह से यदि कांग्रेस की कमान हरीश रावत को मिलती है तो मजबूत विपक्ष के तौर पर न केवल हरीश रावत खड़े होंगे बल्कि बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ा सकते हैं। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर विपक्ष में अगर हम बात करें तो
कांग्रेस की ओर से हरीश रावत का चेहरा जो जिस तरह से लगातार बातें चल रही है, क्योंकि चुनाव संचालन की जो जो जिम्मेदारी है वो हरीश रावत को दी गई है, और कि अब किसको कांग्रेस की ओर से अगर हम बात करें तो किसको टिकट देना है, किसको इसकी जिम्मेदारी, किसको आगे चुनाव में रणनीति में उतारा जाए, वो सब हरीश रावत तय करेंगे। और वहीं अगर हम तीसरे दल के रूप में सामने आ रही आम आदमी पार्टी लगातार जिस तरह से अपना एक एजेंडा बनाकर चल रही है, बिजली को लेकर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रही है, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी इस तरह का एक अपना फॉर्मूला एक तैयार करने जा रही है कि किस तरह से विपक्ष के खिलाफ रणनीति बनाई जाए। क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि जिस तरह से हरीश रावत ने आम आदमी पार्टी के जो 300 यूनिट देने का दावा किया है, तो हरीश रावत ने ये भी कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम पहले साल में 100 यूनिट बिजली देंगे, फिर दूसरे साल में 200 यूनिट, और उत्तराखंड की आय दिल्ली जैसे दिल्ली के मुकाबले हो जाती है तो हम 400 यूनिट तक जी। अशोक माफ कीजिएगा, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से भाजपा की समन्वय बैठक होनी है, तैयारियां उसके लिए पूरी हो चुकी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मदन कौशिक, संगठन मंत्री बी एस संतोष, तमाम बड़े नेता बीजेपी मुख्यालय में इस बैठक में शामिल है और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं अगली